स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल की नॉइज में। तो IFC के शेयर में अभी क्या करना चाहिए, IFC के शेयर का प्राइस चल रहा है 15.10 पैसे के आसपास। IFC के शेयर में जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। IFC का Q4 में कंपनी का जबरदस्त प्रॉफिट वगैरह हुआ है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है IFC के शेयर ने कुछ ही दिनों में इन्वेस्टर्स को। IFC का शेयर का प्राइस अगर देखेंगे तो मतलब लगभग 70 रुपीज के ऊपर जो है 71-72 रुपीज के आसपास ये शेयर पहुंच गया था। Q4 का जो कंपनी ने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जहाँ पे कंपनी का एक जबरदस्त बिजनेस वगैरह हुआ है और देखेंगे तो शेयर के प्राइस में जो है अच्छा खासा रिटर्न दिया है IFC के शेयर। शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट उन लोगों का मानना है कि कंपनी का बिजनेस जो है हो सकता है कि ऐसे की रफ्तार पकड़े और कंपनी का बिजनेस हो सकता है कि आगे चल के ऐसे जंप बना सकता है। तो क्या ये शेयर यहाँ से भी रिटर्न दे सकता है? शेयर का प्राइस 15.10 पैसे के आसपास चल रहा है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन लोगों ने IFC के शेयर में थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा। IFC को अगर देखेंगे जो कि गवर्नमेंट का कंपनी है और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना है कि IFC का जो गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स है वो IFC को आगे चल के मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों IFC के शेयर को लेकर, IFC के शेयर टेक्निकली कैसा है, IFC के शेयर में क्या करना चाहिए और क्या ऐसा चल रहा है जिसके चलते हो सकता है कि IFC के शेयर या थोड़ा बहुत रिटर्न बनाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा बने रही, फिर भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। IFC का शेयर दोस्तों यहाँ पे एक जबरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में जो है IFC के शेयर ने 0.7% रिटर्न दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 3.1% शेयर का प्राइस डाउन हुआ IFC के शेयर का प्राइस, और वन मंथ में देखेंगे तो 27.7% IFC के शेयर पर क्या प्राइस रिटर्न दिया है दोस्तों। तो IFC के शेयर में अभी देखते हैं तो फिलहाल जो है शेयर बोल सकते हैं कि इसका जो मतलब IFC का जो ड्यूरेबिलिटी कंपनी जो ड्यूरेबिलिटी है जो कि 80 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन की बात करते हैं IFC का 33.20 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 69.50 है आउट ऑफ 100। IFC के शेयर में अभी देखेंगे दोस्तों IFC के शेयर में देख सकते यहाँ पे देख सकते वन मंथ में IFC का जो शेयर है जो एक हाई प्राइस बनाया है 64.30 पैसे का, ये इसका वन मंथ का हाई प्राइस है। शेयर का प्राइस अभी इससे नीचे थोड़ा ट्रेड कर रहा है और जो 1 मंथ का इसका लो प्राइस है 48 रुपीज़ का, जिससे मतलब शेयर का प्राइस थोड़ा भी ज़्यादा प्राइस में चल रहा है। एक हफ्ते की बात करते हैं IFC के शेयर का जो हाई प्राइस देखने को मिल रहा है एक हफ्ते में 60.95 पैसे का और जो लो प्राइस है 55.90 पैसे का दोस्तों। शेयर का प्राइस अभी 58.10 पैसे के आसपास चल रहा है। तो अभी यहाँ पे IFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है जो कि 15,185 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली बात करते हैं IFC के शेयर को लेकर दोस्तों, तो टेक्निकली IFC का शेयर एक बुलिश लेवल यहाँ पर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, मैं एक इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है एक बुलिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली बोल सकते कि IFC का जो शेयर है स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। प्रोमोटर्स के पास 70.32% का स्टेक था, प्रोमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है तो फिलहाल अभी प्रोमोटर्स के पास 71.72% का स्टेक है। FIS के पास देखते हैं तो 2.38% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.6% का स्टेक है। पब्लिक के पास 20.33% का स्टेक है दोस्तों। IFC का शेयर जैसे कि एक जबरदस्त जो है इसने रिटर्न दिया है कुछ दिन में। IFC का देख सकते शेयर जो है 0.53% जो NSE में इसमें तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। स्मॉल कैप कंपनी विथ मार्केट कैप जिसका मार्केट कैप यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है, जो शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं लगभग 59.03 पैसे के आसपास पहुंच गया था और 0.53% शेयर ने जो है रिटर्न दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके पास मतलब स्टेक जो है 71.72% का स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि IFC का प्रोमोटर से IFC का ज़्यादातर स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। IFC का देखेंगे तो यहाँ पे जो है मतलब बोल सकते कि IFC जो शेयर जो है रैली ओवर 96% इन 24 में IFC का शेयर 96% रिटर्न दिया है। देखिए IFC में क्या इसमें देखते हैं तो कंपनी का IFC के शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। कंपनी का जैसे ही बोल सकते कि Q4 में IFC का जो प्रॉफिट वगैरह हुआ है जहाँ पे बोल सकते कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट रेवेन्यू IFC को हुआ है Q4 में, जिसके चलते अगर देखेंगे तो IFC के शेयर में जो है एक तेज़ी भी हम लोग को बनता हुआ देखने को मिला है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे खरीदारी भी किया IFC के शेयर में, एक जो ट्रस्ट होता है IFC को लेके शेयर को लेके वो बिल्ड होता हुआ देखने को मिला है इसके ऊपर 24 के
जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे शेयर किया तभी। और यहाँ पे देखते हैं तभी मतलब कंपनी का जो मतलब यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स ने यहाँ पे जैसे कि स्टेक थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। प्रॉफिट की बात करते हैं आईएफसीआई का, पिछले दो क्वार्टर का प्रॉफिट देखते हैं आईएफसीआई का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 17.91 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 133.33 करोड़ हुआ है। पर क्वार्टर देखते हैं तो 86.6% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है आईएफसीआई का दोस्तों। वही बात करते हैं रेवेन्यू की आईएफसीआई का, पिछले दो क्वार्टर का रेवेन्यू देखते हैं तो 469.9 करोड़ से इंक्रीज होकर 715.52 करोड़ का, माफी 712.52 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि पर क्वार्टर 34.1% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है आईएफसीआई का। FIS की बात करते हैं दोस्तों, FIS के पास 2.29% का स्टेक था, FIS ने स्टेक इंक्रीज करके 2.31% स्टेक किया है आईएफसीआई। यहाँ पे देखते हैं जो रिटेल शेयर होल्डर्स के पास 21.37% का स्टेक था, रिटेल शेयर होल्डर्स स्टेक इंक्रीज रिड्यूस करके 20.34% का स्टेक किया है आईएफसीआई के शेयर में दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आईएफसीआई के शेयर में देखेंगे तो बोल सकते कि जो मतलब अभी शेयर में जो एक तेजी बन रहा है, शेयर का प्राइस जो यहाँ पे एक रिटर्न दे रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे कि 58 रुपीज़ के आसपास अभी शेयर चल रहा है, तो यहाँ से एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं शेयर में। आईएफसीआई के शेयर में देखेंगे तो एक दिन में शेयर का प्राइस लगभग जो एक लो प्राइस बनाया है जो कि 55.90 पैसे का, ये इसका एक दिन का लो प्राइस है आईएफसीआई के शेयर का। एक हफ्ते की बात मतलब माफ कीजिए एक दिन का देखते हैं तो इसके जो हाई प्राइस है जो कि 59.20 पैसे का है, 50D का लो प्राइस देखिए दोस्तों 10.95 पैसे का है, और इसका 50D का हाई प्राइस देखिए दोस्तों जो कि 71.80 पैसे का है, 71.80 पैसे का इसका 52D का हाई प्राइस है। और यहाँ पे शेयर का प्राइस अभी 58.10 पैसे के आसपास चल रहा है, 58.10 पैसे में शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आईएफसीआई के शेयर जैसे कि एक दिन का इसने हाई प्राइस बनाया लगभग 59 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पे बहुत एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के जो है आईएफसीआई के शेयर में चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल आईएफसीआई के शेयर में नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आगे चल के इस शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। वन मंथ में बात करते हैं आईएफसीआई के शेयर को लेकर, वन मंथ में देख सकते शेयर में जो एक बोल सकते कि जो रिटर्न दिया है जो कि 16.08% का रिटर्न दिया है वन मंथ में, थ्री मंथ में 27.69% का रिटर्न दिया है आईएफसीआई के शेयर ने, और वन ईयर में देखेंगे तो लगभग वन ईयर में 411.18% का रिटर्न दिया है आईएफसीआई। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों कंपनी यहाँ पे बहुत ही मजबूत है, अभी अगर देखते हैं अभी के इन्फॉर्मेशन जो कंपनी में देखने को मिल रहा है, ओवरऑल कंपनी यहाँ पे बहुत ही मजबूत है, प्रोमोटर्स ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है, FIS ने आईएफसीआई ने इंक्रीज किया है। टेक्निकली भी बोल सकते कि शेयर थोड़ा बहुत ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है कि शेयर में आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले आईएफसीआई के शेयर। आपको कैसा लगता है आईएफसीआई के शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।